जिला पुलिस टीम ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे एक युवक को 832 किलो 960 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तस्कर अवैध डोडा पोस्ट की तस्करी पानी के टैंकर के माध्यम से कर रहा था। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त किए गए पानी के टैंकर को भी जब्त किया है। पकड़े गए अवैध डोडा पोस्ट की अनुमानित कीमत 55 लाख रुपये बताई गई है। जिला पुलिस अधीक्षक व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगिड़ के निर्देश पर डिप्टी मनीष चौधरी के सुपरविजन में सांकेत नगर थाना अधिकारी करण सिंह खंगारोत के नेतृत्व में की गई कार्यवाही में तस्कर भागीरथ रामपुत्र नारायण रामजाट निवासी खुडियाला तिवरी पुलिस थाना करवट जिला जोधपुर को गिरफ्तार किया गया है। अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के अभियान के तहत सांकेत नगर थाना अधिकारी करण सिंह को मुखबिर से मिली सूचना के पुलिस टीम ने उदयपुर रोड चुंगी नाके के पास सामने से आ रहे एक पानी के टैंकर को रुकवाकर चेक किया तो पानी के टैंकर में काले रंग के प्लास्टिक के कट्टे नजर आए। जिनको चेक किया तो उसमें अवैध डोडा पोस्ट भरा मिला। पुलिस टीम को टैंकर से कुल 42 कट्टे अवैध डोडा पोस्ट से भरे मिले। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी अधिनियम में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मालूम हो कि लगातार तस्करों द्वारा अलग अलग हथकड़े अपनाए जाकर तस्करी की जा रही है। इसी क्रम में अभियुक्त भागीरथ राम ने पुलिस का ध्यान भटकाने के उद्देश्य से ट्रैक्टर के पीछे पानी का टैंकर जोड़कर अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट भरकर परिवहन करने का तरीका अपनाया, जिससे पुलिस को लगे कि राजमार्ग पर निर्माण अथवा मरम्मत के कार्य हेतु पानी ले जा रहा है और आसानी से चकमा दिया जाकर अवैध मादक पदार्थों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा सके। पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल गोपीराम, कांस्टेबल मोहित सिंह जालाराम तथा जसवंत आदि शामिल रहे।